दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है। ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम है, आगे हमसे सारा जहां, जहां देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। जानसर तहसील क्षेत्र के गांव हुसैनपुर खादर निवासी अज्ञात व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी सूचना राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को दी और उसे सीएचसी जानसर में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उसका नाम मालूम नहीं हुआ है। हालांकि गांव हुसैनपुरा निवासी मुकेश का एक नंबर मिला। पूछताछ करने पर उसने उसका नाम परवेश पुत्र रंजीत बताया है। इस संबंध में पुलिस से जानकारी करने के लिए थाना रामराज एसओ को फोन किया गया तो वहां पर रिंग बजती रही, लेकिन एसओ रामराज ने फोन नहीं उठाया। हरियाणा राज्य के हिसार में जासूसी के आरोप में सेना ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक शामली व 2 युवक मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। हरियाणा राज्य के हिसार में यूपी के 3 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी तीनों जासूस यूपी के जनपद शामली व जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। खाली जनपद शामली का रहने वाला है और मेहताब रागी मुजफ्फरनगर के गांव शेरपुर के निवासी हैं। आरोप है कि तीनों युवक पाकिस्तान के संपर्क में हैं। परिजनों के मुताबिक खालिद पिछले काफी समय से मुजफ्फरनगर में रहकर वेल्डिंग का काम करता था और ईद पर अपने घर आया था, जिसके बाद वह फिर काम पर चला गया और शेरपुर निवासी मेहताब रागी के साथ मिलकर काम करने लगा। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व खालिद का फोन आया था। ने बताया कि वह मेहताब राघव के साथ मिलकर हिसार में काम करने के लिए जा रहा है और आने वाली बकरीद पर घर लौटने की बात कही और खालिद अपने साथी मेहताब व राघव के साथ हिसार छावनी में काम करने लगा। छावनी में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है और वह रहते हुए चुपचाप छावनी की वीडियो क्लिप उतारना शुरू कर दिया, जिन्हें हिसार छावनी में सेना की जाँच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया और उनके फोन से छावनी के अंदर से बनी वीडियो को बरामद कर लिया, जिसके बाद सेना ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ गए तीनों संदिग्ध ठेकेदार के जरिए मजदूरी करने के लिए छावनी में घुसते थे। एजेंसियों ने शक के आधार पर 1 अगस्त को तीनों को पकड़ लिया था, जिनके मोबाइल से कैंट की वीडियो क्लिप भी बरामद हुई है और जांच में पता लगा कि उन्होंने जुलाई माह में अपने व्हाट्सएप से पाकिस्तान में फोन भी किया था। पाक सेना के संपर्क की आशंका हिसार सेना को फली और जांच में पता चला कि पकड़ गए संदिग्धों में से मेहताब के संपर्क पाक सेना से हैं। आरोपियों में मेहताब की मुख्य भूमिका प्रतीत हो रही है। इसके अलावा मेहताब ने भारतीय फोन पर कैंट क्षेत्र के वीडियो और फोटो भी बनाकर भेजे थे। वहीं आरोपी खालिद, जो शामली के गांव मसादी का मूल निवासी है, वो सेना को बरगला रहा था। खालिद के परिजनों के मुताबिक खालिद पढ़ा लिखा नहीं है और वह वेल्डिंग का काम जानता है और जल्द ही घर लौट आने की बात कह रहा था। फिलहाल खालिद के परिजनों व गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वेल्डिंग का काम करा मैं, सीख रहा था, सीखने भी टाइम लगा, हो गई 5-7 साल हो गए, सरकते हुए तो काफ़ी 2 साल से शादी को भी हो गए। अभी हम तो शेरपुर वाले ले गए, अक्सर वहाँ से कमा कर जाएंगे, अब यहाँ 10 दिन के लिए कमा के आ जाएंगे। कहाँ पर ले गए? सर तो कहाँ ले गए, नहीं ले गए, शेरपुर वाले ले गए। अब उनका 10 दिन का काम हो जाएगा, जंग तिहार का काम हो जाएगा अपने बच्चों में, उसकी लालच में चला गया। अब लोग क्या पता मेरे बच्चा सब उसमें खंदम फंस जाएगा, मेरे बच्चे तो भी नहीं पढ़े मुजफ्फरनगर। काम करता था जी, त्योहार से घर पर आ जाता जी। क्या काम करता जी? वो हमारा मुजफ्फरनगर का
तो जी वहाँ दो लड़के शेरपुर के थे जी, आज था जी खाली दिनाम का, तो जी वहाँ कह लगे वहाँ सारे चल रहे वहाँ खरीदारी करेंगे, अपने पैसे कमावेंगे जी। अजी वो कभी अपने बच्चों में तो यहाँ तक कभी कमा कमे ईद पा पागे जी वहाँ ज़्यादा करते मुझे खाना देगा वो मैं सारे थे जो ईद पाता जी वही सब लोग आता जी। अजी भाई वो कह लगा भाई आप लगा दीजिए वो कह लगा हम तो 15 दिन वहाँ खड़े हूँ वहाँ सर अपना ईद त्यौहार पा जाऊँगा मैं 15 दिन करके जी सर जो 2 से 3 दिन तक क्लास रख दिखे हमने भजी बात नहीं आई और तन पट है जी बिल्कुल जी सर जी 3-4 दिन आज 4th दिन है जी ना सर जी शुरू से शुरू में आज पहले पहले गए थे जी मुझे अपना घर रहता था जी वेल्डिंग काम करता था। कितने दिनों से? कई साल से जी काफ़ी दिन से। फिर जी वे दो शेरपुर के लड़के थे वे कहने लग गए कि निसाड़ चल रहे काम पे, अब वो जाके वहाँ जा रहे हैं बकरीद पाएंगे घरों फ़ोन कर दिया उसने अब हम निसाड़ जा रहे हैं काम पे वेल्डिंग के अब बकरीद का खर्चा बन जाएगा फिर आ जाएंगे बकरीद पे। ये घर कब आता था और कब आया था? ईद पे आया था जी। और क्या आगे के लिए क्या किया? आखिरी बार जब घर आया था क्या बोला था इसने? जी ये कहा था कि काम पे जा रहा जी मैं, फिर फ़ोन पे कहा कि मैं निसाड़ जाना पड़ा अब बकरीद पे आऊँगा जी खर्चा पानी बन जाएगा इतने। अब कितना पढ़ा लिखा है ये? पढ़ा लिखा नहीं है जी, अनपढ़ है बिल्कुल। अब जो हिसार में पकड़ा गया है क्या आरोप लगे हैं इस पर? जी बेकसूर है जी बिल्कुल। आरोप क्या लगे हैं? जी ये निसाड़ गया था जब ये आरोप लगेगा कि हमारा भाई मुखबर है ये जासूस है ये बिल्कुल बेबुनियाद है जी और ये पहली बार ही निसाड़ गया है। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक से लूट की घटना को अंजाम दिया जहां पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। शामली जनपद में दिन दहाड़े लूट का मामला प्रकाश में आया है। रास्ते पर पैदल जा रहे एक युवक से दिन दहाड़े लूट हुई है। बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश लूट कर फरार हो गए जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित थाने पहुंचा और लिखित में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन बदमाशों को पकड़ पाने में कांदला पुलिस नाकाम साबित हो रही है। कांदला थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है और बदमाश बेखौफ होकर एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल मामला कांदला थाना क्षेत्र के नई बस्ती का है जहां कांदला निवासी आलम घर से किसी जरूरी काम के लिए बाजार तरफ जा रहा था। उसी दौरान बाइक पर सवार होकर पीछे से दो अज्ञात बदमाश आए और फोन की लूट कर फरार हो गए जिस पर आलम ने काफी शोर शराबा किया लेकिन तब तक बदमाश बहुत दूर जा चुके थे। हताश होकर पीड़ित आलम थाने में पहुंचा और सारी घटना कांदला पुलिस के समक्ष पेश की। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित को शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पूर्व में भी कांदला क्षेत्र में हत्या हुई है पुलिस जिसका अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में वो दिन दहाड़े लूट की इस घटना का खुलासा कैसे कर पाएंगे? जी मैं थाने से ले आया हूँ, मैं परसों बात करते हुए फ़ोन से बाईपास पर जा रहा था, अनाज गोदाम के पास मेरा फ़ोन छीन लिया गया। दो बाइक सवार आए और वो फ़ोन छीन के गए। मैंने अगर उनका पीछा करने की कोशिश की तो वे निकल गए, मैं पीछा नहीं कर पाया, मैं पैदल था। थाने पे तहरीर दी अभी तक कोई कर रहा है नहीं, सुबह 9 बजे की जी अभी तक कोई नहीं। जनपद बागपत के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शकुंतला गौतम द्वारा जैव ऊर्जा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जनपद बागपत जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने कलेक्ट्रेट सभागार में जैव ऊर्जा समिति की बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा सतत योजना के अंतर्गत सिलाना क्लस्टर में 8 ग्राम पंचायत हैं, जिसके अंतर्गत कई गांवों में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। इस खेती को करने से किसानों को 1 एकड़ में 32,000 का खर्च आता है जबकि उसमें वार्षिक 1.5 लाख की आमदनी होती है। इसमें 5 साल तक यह खेती निरंतर चलती रहती है और उसके बाद क्रॉप कटिंग होती है। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें जनपद का किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा
अन्नदाता भी बनेगा। उन्होंने कहा बायोमास कल्टीवेशन के अंतर्गत हिंडन कृष्णा नदियों के संरक्षण के लिए बांस की खेती की जाए, जिसे करने से किसान की आय भी बढ़ेगी और जल संरक्षण भी हो पाएगा, बाढ़ नियंत्रण में भी काम आएगा और एक बार लगाने से उसमें 3 पीढ़ी तक लाभ किया जा सकता है। बांस की खेती करने से जल संचयन में भी लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि जैव ऊर्जा समिति के अंतर्गत ऐसी खेतियों पर बल दिया जाएगा और ऐसी खेती करने के लिए किसान से अधिक जोड़े जाएंगे और ऐसी खेती करने से किसान अधिक से अधिक जोड़े और अन्य दाता से किसान ऊर्जावान भी बने और आय वृद्धि हो। बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय जैव ऊर्जा समिति की बैठक हुई है, जिसमें जनपद बागपत के 8 ग्राम लिए गए हैं रूर्बन मिशन के तहत। इनमें इन 8 गाँव का एक क्लस्टर है, जिनमें हमारे 25 एकड़ की हम खेती पाम रोजा की करेंगे और लेमन ग्रास की 25 एकड़ का क्लस्टर में खेती की जाएगी। इसमें प्रति एकड़ जो कॉस्ट आ रही है, एक में पाम रोजा में लगभग 28,000 की कॉस्ट आ रही है प्रति एकड़ और 32,000 के लगभग कॉस्ट आ रही है प्रति एकड़ लेमन ग्रास में। लेकिन जो इससे प्रतिवर्ष जो पैदावार होगी वो लगभग 1.5 लाख होगी और एवरेज जो प्रतिवर्ष का खर्चा आएगा वो काश्तकारों को 8 से 10 हज़ार का खर्चा आएगा। फिर भी नेट प्रॉफिट जो काश्तकारों को है वो 1.5 लाख के लगभग होगा, 1,30,000 से 1.5 लाख तक का होगा। तो जो परंपरागत रूप से काश्तकार खेती कर रहे हैं, यहाँ पर गन्ने की खेती कर रहे हैं, उनको परंपरागत खेती से हटकर ये पामारोजा और लेमन ग्रास की खेती करने के लिए मोटिवेट किया गया, उसके लिए क्लस्टर बनाया गया है और 10 एकड़ में लगभग काश्तकारों ने शुरू भी कर रहे हैं, एक क्लस्टर की इनकी गठन भी हो गया है। और फिलहाल वक्त तो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। पहाड़ों पर हो रही बारिश से एक बार फिर कोटावाली नदी में अचानक से पानी का जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने से बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर पानी आ गया। नदी का जल स्तर बढ़ने पर पुलिस ने हरिद्वार जाने का रास्ता बंद कर दिया। पुलिस द्वारा यात्रियों को वाया नजीबाबाद भेजा जा रहा है। साथ ही हाईवे पर पानी आने से जाम के हालात पैदा हो गए हैं, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बता दें कि कोटावाली नदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ती है, जिसका पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण रफ्ते पर पानी आने से मंडावली पुलिस को रास्ता बंद करना पड़ा। हालांकि हरिद्वार जाने के लिए रफ्ते पर पानी आने के बाद एकमात्र रास्ता बचता है, जो भगवाला नहर की पटरी से होकर जाता है। पुलिस द्वारा यात्री को वाया नजीबाबाद भेजा जा रहा है। साथ ही हाईवे पर पानी आने से जाम के हालात पैदा हो गए हैं, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण रफ्ते पर पानी आ गया है, इसलिए वाहन बंद है और जब तक पानी ऐसे ही चलता रहेगा तो वाहन बंद ही रहेंगे और जैसे ही पानी कम हो जाएगा तब सुचारू रूप से चला दी जाएंगे। पानी की वजह से पानी के कारण खड़े हैं, 2 साल हो गए हैं ये पुल अभी तक तो बना नहीं, इसके कारण नहीं खड़ना पड़ा। आज कितना समय तक आप यहाँ खड़े रहते हो? मेरे को एक घंटा तकरीब हो गया। जब पानी आता है यहाँ तो कितना समय लग जाता है आपको? भैया मैं तो आज ही आया पहली बार। दिक्कत यहाँ पानी की वजह से हम लोग यहाँ 2 साल से इसी पोजिशन में चल रहा, हम लोग पूरा दिन यहाँ खड़े रहते हैं। आज सुबह से खड़े पानी की वजह से, रास्ता रोक दी गई। हाँ अब बताओ कहाँ जाए खड़े। आज प्रशासन क्या कहता है कि आप? प्रशासन पता नहीं क्या प्रशासन के, तो 2 साल से हम लोग धक्का खा रहे हैं, बराबर दिक्कत उठा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जो है देख रेख नहीं है। कहीं बिजनौर घूम के जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, क्या करें मजबूरी। अच्छा जाते कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है आपको? हमको हरिद्वार जाना है। बागपत में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवक पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर पहले उसकी पिटाई की गई और फिर उसका गुप्त अंग काट दिया गया। वारदात को अंजाम उसी के दोस्तों द्वारा दिया गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे दिल्ली के तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल वारदात कोतवाली बागपत क्षेत्र के सुभाष गेट इलाके की है, जहां युवक यामीन एक ट्रक पर हेल्पर का काम करता है और उसी पर उसके साथी सोनू और शहजाद भी हेल्पर का काम करते हैं। युवक
अमीन का आरोप है कि देर रात उसे उसके दोस्तों ने होटल से खाना लाने के लिए कहा और उसे होटल जाने के लिए उसे अपनी बाइक दे दी, जिसके बाद यामिन ने होटल से खाना तो ले लिया लेकिन बाइक ले जाना भूल गया और ई रिक्शा की मदद से खाना लेकर आ गया। यामिन पर बाइक न देखकर उसके दोस्त सोनू, टोनी और शहजाद गुस्सा हो गए और उसके तीनों दोस्तों ने उस पर बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी और उसका गुप्तांग काट दिया। इस दौरान जब युवक बार बार बाइक होटल पर ही होने की बात कहता रहा तो जब होटल जाकर देखा गया तो बाइक होटल से ही बरामद हो गई। वहीं इस घटना के बाद युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसके इलाज के लिए दिल्ली तेग बहादुर अस्पताल भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक झगड़े की शिकायत उन्हें मिली है, तहरीर ले ली गई है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। अभी जो मुझे मालूम हुआ है यहाँ से थाने से, एक तहरीर यामिन नाम के व्यक्ति ने एक तहरीर दी है, सुभाष गेट का रहने वाला है, उनमें आपस में झगड़ा हुआ है और एप्लीकेशन ले ली गई और उसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनपद ललितपुर के मंडावरा के ग्राम प्यासा का स्कूल जानवरों का तबेला बनकर रह गया है। अन्ना जानवर को ग्रामीणों ने स्कूल में बंद कर दिया। तहसील के गांव प्यासा का सरकारी स्कूल अन्ना जानवरों का तबेला उस समय बन गया जब ग्रामीणों द्वारा दर्जनों गोवंशों को सरकारी स्कूल में ले जाकर बंद कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल द्वारा गौशाला एवं मवेशियों के नाम पर ग्रामीणों से भूसा एकत्र किया जाता है, जिसके बाद भी आवारा मवेशियों के कोई इंतजाम नहीं किए जाते। आवारा मवेशी खेतों में फसलों को बर्बाद करते हैं, जिसके चलते जानवरों को मजबूरन स्कूल में बंद किया गया है। साहब जी, जानवर जैसे नुकसान हो रहा आदमी को, गांव वाले ने मतलब उन्हें पेड़ दे, हमने लेखपाल से मार बार कही, कानीपुर से मार बार कही, तो कह रहे कि हम कितने हाँक दे में क्या बात है। अभी आपने किसी संबंधित अधिकारी से बात की क्या? जी सर। किससे की है? लेखपाल से बार बार कही। क्या बात, क्या बोला है? साहब जी, ढोरन को नुकसान हुआ, आपने भूसा उगवाला, वो कही के हम जी ढोरा उगवा दें, भूसा भी उगवाला आपने, सभी उनने बोले करने के हम भूसा मतलब कह रहे कि हम भूसा आपको ले तो आए नहीं, मई धरे मई करवा दे रहे, गम खाओ करवा दे जय गोल। अभी जो तो अभी अभी आज ही भाव, आज एक महीना हुआ प्रधान से लेखपाल से कहते हुए, आज दिन कल दिन, आज दिन कल दिन एक महीना हुआ। अब जैसे रात में जा रहे हम लोग, कोई सर्प काट खाए या कोई गुरो काट खाए, कौन है जिम्मेदार इसका? तो प्रधान के पास यहाँ से कम से कम 20-40 भिस्सा तो यहाँ से फेंकवा दिया गया। अभी तक तो मान लो सब असार से अगर होते जमा एक जगह तो पर्याप्त था, एक साल के लिए उनको चल गए, लेकिन घर में भरवा दो काय के लाने, अब आपा के दिए टोरिया में डो, ताल में डो, कई जगह फंसा पड़ा हुआ है। अब कई बार कहा है, एक बार SDM भी साहब गए थे तो जो है उनने पूछी तो कहते थे झूठ बोलते हैं यार, और किसी से पूछा नहीं, ये बात है। समस्या है कि ये यहाँ से पशुओं का नरक बरसात में सारी कच्ची चली। ऐसे में जी हम ये देख रहे हैं कि जैसे विद्यालय नहीं खुल रहा है, जानवर अंदर हैं, तो ऐसा ही कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं इसका निराकरण नहीं, मतलब जब तक जानवर अंदर रहेंगे। आपने इस बारे में अपने प्रधान से या उच्च अधिकारियों से किसी से बात की? कई बार कहा, आज तो प्रधान फोन तक नहीं उठा रहे। प्रधान जी कौन है, क्या नाम है? केसराज अहरवा, केसरानी। अब ऐसे में आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? इनका निराकरण हो जाए, बन जाए, या मतलब कई साल पहुँच जाए। जैसे कि हमने देखा यहाँ आसपास में अस्थायी गौशालाएं भी बनाई गई थी, कुछ अस्थायी गौशालाएं हैं उनमें में है, एक अमोदा में है, मतलब है गौशाला, तो वहाँ पे जानवर नहीं भेजा है आपने? क्या की संगे ले जाए हमारे बहाल फिर दादागे कम हो नहीं भूसा तो देखभाल हो नहीं हमने गाँव ने इतना भूसा जोड़ता तो बहुत कठिन। जनपद बागपत में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हाईवे पर गश्त के दौरान बड़ौद कोतवाली की जीप अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई व 3 कांस्टेबल घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल हादसा बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के NH-709B पर TOT गाँव के पास हुआ है, जहां बड़ौद कोतवाली की जीप हाईवे पर गश्त कर रही थी, तभी पुलिस को कोई गोपनीय सूचना मिली और सूचना पर जब कोतवाली की जीप हाईवे पर पहुंची तो तेज गति के कारण अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे ट्रक से जा
टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस जीप में सवार एक सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर अंपिल मलिक, कांस्टेबल सचिन व हरीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर अवस्था के चलते उन्हें हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। थाना बड़ौत की गाड़ी थी, जिस पर एक एसआई, एक ड्राइवर और दो कांस्टेबल रात में गश्त कर रहे थे। दिल्ली सहारनपुर रोड पर थे, तो सामने से एक ट्रक आ रहा था, और ट्रक बहुत तेज स्पीड से आ रहा था, तो अनियंत्रित होकर के आपस में इसमें टक्कर लग गया। ये चारों लोग घायल हैं, इनको फर्स्ट एड देने के बाद आसपास आस्था हॉस्पिटल से इनको हायर सेंटर आनंद के लिए रेफर करा दिया गया है। किस कार में थे लोग? थाने की गाड़ी थी, थाने की मोबाइल थी, रात में गश्त में थे। वजह क्या रही? इनको पता चला कोई गोपनीय सूचना मिली थी, सूचना पे जा रहे थे, तब तक वो ट्रक आ रहा था, उसमें एक्सीडेंट हो गया। कैसी हालत है जो घायल थे? सीरियस हैं, दो लोग तो सीरियस हैं, लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं, और इनको फर्स्ट एड देने के बाद आनंद हॉस्पिटल में रेफर करा दिया गया। चारों कांस्टेबल हैं? नहीं, इसमें दो कांस्टेबल हैं, एक कांस्टेबल ड्राइवर है और एक उप निरीक्षक है। क्या नाम है? हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।